हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शॉर्टकट की। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या होता है कंप्यूटर में, कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम फाइल मेनू में नहीं जाते हैं। ठीक है, हम यहीं से अपने कीबोर्ड से दोनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं और वो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन मैं क्या करूंगा, आपको लैपटॉप अपनी खोलूंगा और उसमें आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कौन सी बटन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम आज पूरे के पूरे जितने भी शॉर्टकट की होते हैं, ठीक, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला शॉर्टकट की है न्यू। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ता है, तो हमें बताना पड़ता है CTRL+N। ठीक है, इसे हम Ctrl+N भी बोलते हैं, CTRL को हम कंट्रोल भी बोलते हैं, Ctrl+N। फिर हम ओपन, ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+O, CTRL+O। और जो CTRL क्यों लिखा जाता है, क्योंकि CTRL हमारे कीबोर्ड में ऐसे ही लिखा होता है, CTRL+O। तो अगर आप CTRL+O करेंगे तो आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। सेव, सेव करने के लिए अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर बटन दबाते हैं CTRL+S। ठीक है, अच्छा, ये सब मेनू कहाँ पे होते हैं आपके, ये सब होते हैं फाइल मेनू में। ठीक है, आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि न्यू ओपन सेव किस मेनू में होता है, तो ये होता है आपका फाइल मेनू में। ठीक है, तो चलिए अब पहुंच गए हम सेव पे, तो CTRL+S। ठीक है, अगर हम दबाएंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिक आपने जो भी वर्क किया है, एक्स्ट्रा वर्क किया, वो आपका सेव हो जाएगा। हमको किसी चीज को कट करना है, ठीक है, तो कट करने के लिए हम क्या दबाते हैं, Ctrl+X। ठीक है, अगर आपको कोई चीज, पुरानी चीज कट करनी हो तो आप Ctrl+X दबाएंगे तो वो चीज कट जाएगी। कॉपी के लिए क्या करना है, कॉपी के लिए हम करते हैं, आपने कोई चीज कहीं से कॉपी की, ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और CTRL+C दबा देते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज क्या होती है, हमारी कॉपी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं पेस्ट पे। पेस्ट कैसे होता है, पेस्ट के लिए हम बटन यूज करते हैं शॉर्टकट CTRL+V। ठीक है, अगर हमें पेस्ट करना है तो हम कौन सा बटन यूज करेंगे, Ctrl+V। तो जो भी चीज हमने कॉपी की है, अगर हम Ctrl+V दबाएंगे तो वही चीज आके यहाँ पे क्या होती है, पेस्ट हो जाती है। फिर आता है अंडू। अंडू के लिए हम क्या दबाते हैं, CTRL+Z। ठीक है, क्या दबाते हैं, Ctrl+Z। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई किसी चीज को हटा, कोई चीज आपके पास थी, अगर आपने Ctrl+Z दबा दिया तो वो चीज क्या होती है, धीरे धीरे हटती चली जाती है, 3 से 4 बार होता है। उसके बाद हम आते हैं F1। ठीक है, F1 बटन, इसे कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो F1 का अगर बटन हम दबाते हैं तो इससे क्या खुलता है, तो यहाँ पे खुलता है हेल्प विंडो। ठीक है, तो हेल्प विंडो जो होता है वो क्या होता है, खुल जाता है अगर आप F1 की दबाते हैं तो। F2 क्या होता है, F2 बटन अगर आप दबाते हैं तो वो किस चीज के लिए होता है, मान लीजिए आपको किसी का नाम चेंज करना है। ठीक है, किसी भी विंडो के लिए आपको नाम चेंज करना है तो हम F2 बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है F5। तो F5 से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे और F5 दबाएंगे तो ये कंप्यूटर क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F7 पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, F7 किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, आप कौन से बटन का यूज करते हैं F7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रट लीजिए। ठीक है, ESC, ठीक है, ESC का मतलब क्या होता है, जो भी काम आप कर रहे हैं वहां से एस्केप होना। ठीक है, इसका मतलब वही होता है एस्केप, तो एस्केप होने का मतलब क्या होता है, बाहर चले जाना, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें तो हो गई, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे क्या हुआ। न्यू के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, Ctrl+N। ओपन करने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, वो होता है Ctrl+O। किसी चीज को सेव करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, CTRL+S। कट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, यह है Ctrl+X। कॉपी करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+C। और पेस्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, यह है Ctrl+V। अंडू करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये Ctrl+Z। और फिर आता है F1। ठीक है, F1 से हम क्या करते हैं, हेल्प विंडो को हम खोलते हैं। F2 से हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं, क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। F5 से हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। F7 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में और फिर से भी पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो स्पेलिंग और ग्रामर की चेक करने के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं डायरेक्ट, ये अगर हम F7 दबा देंगे तो ये विंडो आपकी खुल जाएगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ठीक है, ESC का मतलब स्केप करना, तो जो भी काम हम कर रहे होते हैं उससे बाहर जाने के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं, स्केप। तो दोस्त ये हो गया कंप्यूटर का वीडियो, और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाइए देखिए, हर सब्जेक्ट की वीडियोस हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।